हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इंटरनेट बैंकिंग यूज कैसे किया जाता है। इंटरनेट बैंकिंग यूज करने के बाद आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लाइव पासबुक आप देख सकते हैं, बिजली बिल जमा कर सकते हैं, अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो इंटरनेट बैंकिंग यूज करने के लिए आपके पास जो है यूजर नेम और पासवर्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड नहीं है तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूजर नेम और पासवर्ड कैसे बनाया जाता है। तो अगर आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है तो यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से आप जो है इंटरनेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इंटरनेट बैंकिंग यूज करने के लिए आपके पास किन किन डॉक्यूमेंट का जरूरी होना बहुत ही जरूरी है। आपके पास जो है मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए जो बैंक के साथ लिंक हो। उसके बाद यहाँ पे पासबुक आपके पास होना चाहिए। उसके बाद ATM कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आपके पास जो है आधार कार्ड होना चाहिए। तो बहुत ही इजी तरीके से आप जो है इंटरनेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं। तो सो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं कि यूजर नेम और पासवर्ड बना के आप लॉगिन करके और अकाउंट बैलेंस चेक कैसे करेंगे और मनी ट्रांसफर और पासबुक कैसे आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए। इससे क्या होगा, जब कभी भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन के द्वारा वीडियो पहुंच जाएगा। वीडियो को आप देख रहे हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत ही धन्यवाद। तो दोस्तों, चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मोबाइल स्क्रीन पे लेके चलते हैं, वहीं आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा। तो सबसे पहले आपको योनो लाइट SBI को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप इसे ओपन कर दीजिएगा। ओपन करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं सबमिट बटन के नीचे है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन मिलेगा, इस पर भी आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाता है। तो आपसे यहाँ पर मांगा जाता है अकाउंट नंबर, तो आप यहाँ पर अकाउंट नंबर इंटर कर दीजिएगा। उसके CIF नंबर जो कि आपके पासबुक में होता है वो आप यहां पे इंटर कर देंगे CIF नंबर। उसके बाद यहां पे ब्रांच कोड ये भी आपको पासबुक में मिल जाएगा बहुत ही आसानी तरीके से। उसके बाद यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंट्री सेलेक्ट करना है, तो इंडिया आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहां पे रजिस्टर मोबाइल नंबर, तो यहां पे आपको जो भी बैंक में रजिस्टर मोबाइल नंबर दिए होंगे तो वही आपको यहां पे देना होगा। उसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं फैसिलिटी, तो उसके बाद यहां पे ट्रांजैक्शन राइट पे आपको क्लिक कर देना है इंटर करके। उसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं कैप्चा जो है ये इस बॉक्स में आपको इंटर कर देना है। उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक OTP आएगा जो कि आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा, जो कि रजिस्टर मोबाइल नंबर पे, उस पर OTP जाएगा। वो OTP यहाँ पे देने के बाद आपको कन्फर्म बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जाएगा आई हैव माई ATM कार्ड डिटेल्स। तो यहाँ पे जो है अगर आप ATM कार्ड डिटेल्स देंगे तो आपका जो है यूजर नेम और प्रोफाइल घर बैठे आप निकाल सकते हैं। अगर आप नहीं देंगे, दूसरे वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ब्रांच जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर चलिए पहले वाले ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा, तो डिटेल यहां पे शो किया जाएगा। उसके बाद आपको जो है इस ये जो गोल वाला आइकन है इस पर क्लिक करके कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कन्फर्म पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने पूछा जाता है वैलिड टू एक्सपायरी डेट, यानी कि ATM कार्ड का एक्सपायरी डेट कब है, तो कौन से महीनों में है। तो वो यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करेंगे, जो भी होगा जनवरी फरवरी आप यहाँ पे दे दीजिएगा। उसके बाद कौन से साल में, 2020 2021, ये सब आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, जो ATM कार्ड में होगा वही आपको टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे कार्ड होल्डर नेम आपको देना होगा, जो भी ATM में नाम होगा वही आपको देना होगा। उसके बाद ATM का पिन यहाँ पर आपको दे देना होगा। उसके बाद आपको इंटर द टेक्स्ट, यहाँ पर ये जो कैप्चा देख रहे हैं इस कैप्चा को आपको इस बॉक्स में इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा, तो ऑटोमेटिक जो है आप इस पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको यूज़र नेम देना होगा, यानी कि आप कौन सा यूज़र नेम रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप दे सकते हैं यूज़र नेम। उसके बाद अगर जो भी यूज़र नेम आप रखना चाहते हैं वो अवेलेबल नहीं होगा तो आपको यहाँ पे चेक यूज़र नेम अवेलेबलिटी पे आपको क्लिक कर देना होगा। अगर होगा तो प्रोवाइड करा दिया जाएगा, अगर नहीं होगा तो आप बदल के दूसरा रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन
को आपको एक्सेप्ट कर लेना होगा। उसके बाद न्यू लॉगिन पासवर्ड आपको बनाना है, यानी कि कौन सा आपको रखना है वो आप यहाँ पे रख लीजिएगा। उसके बाद जो आप यहाँ पे न्यू लॉगिन पासवर्ड में रखे हैं पासवर्ड, वही आपको कन्फर्म लॉगिन पासवर्ड पे रखना है, यानी कि इंटर करना है। उसके बाद आपको सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन फॉर इंटरनेट बैंकिंग आपका सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद आपको जो है बैक आके इस पेज पे आ जाना है। उसके बाद जो भी आप यूजर नेम पासवर्ड दिए थे वही आपको यूजर नेम के बॉक्स में भरना है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड के बॉक्स में भरना है। उसके बाद सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कन्फर्म प्रोफाइल पासवर्ड। तो अगर आप नहीं जानते हैं, इसके लिए ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का। आप वहाँ से देख के जो है ये कन्फर्म प्रोफाइल पासवर्ड निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट क्वेश्चन आंसर आपको देना होगा। जो भी आप क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे उसका आंसर यहाँ पे आपको देना होगा। उसके बाद कंट्री आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कोड आपको सेलेक्ट कर लेना होगा 91। उसके बाद आप जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है SBI अकाउंट में, तो वही आपको यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना है। ये सब जो है आपको एक ही बार करना है। ये जो है कन्फर्म प्रोफाइल पासवर्ड जो आप देंगे एक ही बार देंगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। तो आप यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेंगे और एक्सेप्ट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलता है। तो यहाँ पे इंटर एक्टिवेट कोड, यानी कि आपको OTP आएगा रजिस्टर मोबाइल नंबर पे, वो आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो यूजर एक्टिवेशन सक्सेसफुल आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यूजर नेम आपको डालना है। उसके बाद फिर से आपको पासवर्ड डालना है। उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है इंटरनेट बैंकिंग आप जो है यहाँ पे आ जाएंगे, यानी कि योनो लाइट SBI के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। अगर आप यहाँ पे बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो व्यू बैलेंस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका बैलेंस चेक हो जाएगा। योनो लाइट SBI से अगर आप मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, या पासबुक निकालना चाहते हैं, या पासबुक डाउनलोड करना चाहते हैं, या बिजली बिल जमा करना चाहते हैं, तो इसके लिए ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं। तो आपको जो है आई बटन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे। आप वहाँ से उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए। और इससे क्या होगा, जब कभी भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन के द्वारा वीडियो पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें पूछ सकते हैं, उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर फॉलो करके आप हमें पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी एक और नई शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।